के महात्म्य में कहा है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधुली, जो जिसे बहुत स्पष्ट नहीं था और वो भी भ्रमित रहता था, आत्मदेव भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी जीवन में, कुछ स्पष्टता नहीं थी, बहुत धुंधला धुंधला जीवन, कुछ बहुत स्पष्ट नहीं था, कुछ उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, कुछ दिशा तय नहीं थी, कुछ दृष्टि पास नहीं थी, कुछ तय नहीं था, कोई योजना नहीं बनाई, बस जी रहे हैं। तो दुर्दशा उनकी कही गई जिनकी दिशा ठीक नहीं है, जिनके पास जीवन की ठीक दिशा नहीं लगी, वो ही थके हैं और वो पहुंचेंगे भी नहीं। अगर आप डी ट्रैक हो गए, आप ट्रैक पर हैं, मूलधारा के साथ हैं, अस्तित्व के साथ हैं, तो पूर्णता भी मिलेगी। अन्यथा तो जो मूलधारा से भटक जाते हैं वे सागर तक तो नहीं पहुंच पाते, वो नदियां, वे प्रवाह, वो कितने ही पूज्य प्रवाह क्यों ना हो, जो नदियों में से निकलकर कुछ अलग धाराएं बनाना चाहते हैं, कुछ अलग करने का तो सबका मन होता है, पर मूल अस्तित्व, अपनी सत्ता, निजता, परंपरा, मूल्य, सिद्धांत और जो सही राह है उससे भटक मत जाना। हां, अपनी दुनिया अलग बनाओ, अच्छी बात है, एक नई सृष्टि का निर्माण कीजिए, नए प्रयोग कीजिए, नए आयाम गढ़िए, नई रचना करो, नूतन कोई सृजन करो, कौन मना करता है, नव नूतन प्रयोग करिए, पर मूलधारा से भटक मत जाना। मूलधारा से समुद्र की कुछ नदियों, समुद्र में कुछ बूंदों ने ऐसे ही एक क्रांति का स्वर पैदा कर दिया, विद्रोह हो गया बूंदों में, वे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयारी करने लगी और कुछ बूंदों ने कहा ये क्या है, सागर का इतना सम्मान, इतना आदर, की विशाल है, विराट है, अथाह है, अगाध है, असीम है और निसीम है, और ये बहुत गंभीर है, तो क्या हुआ, हम भी तो कुछ है ना, हमारा भी कोई अस्तित्व है, हम बूंदे केवल बूंदे कहलाएंगे, हमको बुलबुला समझ रखा है, और ये सागर, इसी की रोज पूजा, हमारा भी अपना एक जगत है कोई, हम सागर से पृथक होती हैं, हम पूर्व सत्ता को नकारती हैं, पूर्व का कोई हमारे साथ संबंध नहीं, हम सभी संबंधों को त्यागती हैं, अपना संसार बसाएंगी, हम बूंदे बूंदे ही रहेंगी, पर लोग देखें हमें, हम भी हैं, तो निकल कर कुछ बूंदे और समुद्र की किसी शिला पर रूठ कर बैठ गई, हमारा अपना एक संसार। अब सागर को कहां पता कि कुछ बूंदे रूठ कर बैठी हैं, सागर तो अलग है, सागर को क्या पता कितनी नदियां उसमें आकर अपने को विसर्जित करती हैं, वे सारी नदियां जो पूज्य हैं, पावन हैं, प्रखर हैं, दिव्य हैं, महत्तम हैं, महद हैं, अथवा जिन्हें जिन्हें छूकर तर जाते हैं जीव, ऐसी गंगा, यमुना, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, महेंद्र, तनया, सिंधु, सरयू, न जाने कितनी, उसकी सांसों के साथ उन्हें रोज निगल रहा है वो, पता नहीं शताब्दी बीत गई, युग बीत गए, न जाने कितनी सलिलाएं सरक सरक कर उसके उदर में और समाहित होती गई, पता ही नहीं है समुद्र को, तो उन बूंदों का क्या पता लगा है, पर बूंदे रूठ कर बैठ गए, और एक हवा का झोंका आया और कुछ बूंदे सूख गई, वो बुलबुले ही तो थे, पता ही लगा वो कहां गई, पर एक दो जो 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 बहुत अधिक आंदोलन करने पर उतारू थी, वो बूंदे तुरंत नीचे ढरक कर सागर में मिल गई, ये सोचकर कि यहां बैठी रही तो सूख जाएंगी, अस्तित्व मिट जाएगा, इतिहास में कोई नाम नहीं लेगा, तो क्या बन जाना चाहिए, वो कहती है जहां से आई थी वहीं चली जाती हैं, फिर से बूंद सागर बन गई और फिर कोई हवा उसे उड़ा नहीं सकती, फिर कोई सूर्य उसे सुखा नहीं सकता, वो बूंदे एकदम ढरक कर नीचे भागी दौड़ी और सागर से कहने लगी कि अगर हम तेरे साथ हैं फिर हम बूंदे नहीं हैं, सागर हैं, फिर हम कितनी विराट हैं, हम कितनी बड़ी हैं। मूलधारा से अलग मत हो आप, मूलधारा से आशय विद्या से है, परंपरा से है, सिद्धांतों से है,
उनसे अलग मत हो जाइए कभी भी, कभी भी। तो जीवन में तय करिए, और वो अलग चल रहे थे, कुछ हमें कुछ अलग ही करना है, जो नहीं करेगा वो हम करेंगे। और ये भूत तो बहुत से लोगों को होता है, तो कुछ डिफरेंटली करना है, डिफरेंटली। भैया डिफरेंटली दिखने के चक्कर में डिफरेंटली अच्छा करो, दिखो मत, कुछ अच्छा करिए, सुंदर करिए, तब आप अच्छे दिख भी जाएंगे।